साथियों नमस्कार। जल्दी से जल्दी सभी साथी जुड़ जाइए। बस शॉर्ट में मैं पूरी अपनी बात करना चाह रहा हूँ। आवाज़ के बारे में थोड़ा इशू रहता है हमेशा मेरे मोबाइल में, तो आप क्लियर कर दीजिए आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, फिर मैं आगे बात अपनी पूरी करूँ। जल्दी जुड़ जाइए और अन्य ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी ग्रुप में हैं। नमस्कार भैया जी, नमस्कार, नमस्ते नमस्ते, सभी लोगों को प्रणाम, सुप्रभात। दो दिनों से उआपो जो मची थी, जो स्थिति वो साफ हो गई है, इस वजह से मुझे आने पड़ा। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी में आपको बात शुरू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अन्य काम बहुत सारे एकदम से पेंडिंग पे पड़े थे, उनको करना पड़ गया, पूरी तरीके से सामने आना पड़ रहा है। नमस्कार भाई जी, नमस्कार, सभी लोग जुड़ जाइए तत्काल। 1100 लोग जुड़ गए हैं, करीब करीब 1100 नहीं, सॉरी 122-128। पुनः एक एक मुद्दा को लेके चलेंगे और जल्दी से जल्दी उसको मैं कवर करूँगा। रोहित बालिया जी धन्यवाद, गुड मॉर्निंग। सत्यनारायण जी, नंदकिशोर जी गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र सिंह हेलो भाई। MRC पर भी, बिल्कुल MRC पर मुद्दे पर भी बोल दूंगा, परेशान ना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोगों को नमस्कार, जुड़ गए हैं तो मैं अपनी बात शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहला और पुनः इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई के लिए उस दिन पहला जो ऑर्डर हुआ था, आपने देखा कि भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने के लिए बोला गया, भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। पहले दिन की काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग रुकी। बड़ा दुख होता है जब कोई काउंसलिंग में जाता है और कागज़ अपने वापस लेके आता है या मायूस होकर लौटता है कि आज स्टे लग गया है। तो दूसरी बात, यहाँ से मैं दो तीन मुद्दे हैं, पहले मैं बता दूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो रिजवान अंसारी अपने दूसरे नाम से लेके गए थे, एक तरीके से आई एप्लीकेशन, वहाँ पर कोर्ट गुमराह हुई है। बाकी इस बारे में विनय प्रताप सिंह ने पूरी बात आपको बताई दी है, तो उसमें मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है। गुमराह कर कब तक किया जा सकता है, जब तक हम लोग वहाँ नहीं थे। अब हम लोग अपनी मजबूती तरीके से पूरी 5 पांडवों की टीम एक साथ हो गई है, वो साथ एक साथ आकर सभी मुद्दों पर अपने अपने कार्य में जुट गई है। वकीलों का पैनल, विनय प्रताप जी ने बोल दिया होगा, अखिलेश शुक्ला जी ने भी बोला होगा, वकीलों का पहले जो पैनल है उसको बनाया जा रहा है। दो वकील ऑलरेडी अपने पास, श्याम दीवान सर और मोहना मैम दो हैं, और तीन वकीलों की बात चल रही है। तो कम से कम 5 सीनियर वकील और दो तीन जूनियर वकील जो AOR वगैरह रहते हैं, इन सबके साथ हम लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। और क्या क्या रणनीतियाँ हैं वो बन चुकी हैं, किस मुद्दे पे हमको पहले जाना है, किस मुद्दे पे बाद में जाना है, क्या करना है, ये कुछ मैं नहीं बताऊँगा। ये बात मान लीजिए कि जैसे डबल बेंच में इनको पटकनी दी थी, इनको नाकों चने चबवा दिए थे, उसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में भी इनको वही हालत करेंगे। बिल्कुल आप लोग धैर्य रखिए, निराश ना होइए, इस बारे में पूरा सहयोग आप लोगों का ही रहेगा, सहयोग आपका रहेगा, कार्य हम लोगों का है। अभी मैं पूरी बात क्लियर कर दे रहा हूँ। MRC पे खेल रहे हो, ये सब उल्टी बातें ना करो। मैं जो भी अपनी बात हो उस पॉइंट पर भी लाऊंगा, जो मेन पॉइंट है उसको भी बोलूंगा, ठीक है। तो जब सभी लोग एक साथ हो गए हैं, काफ़ी मेरे पास फ़ोन मैसेज, मैं दिखाऊं आपको, कम से कम हज़ारों फ़ोन और मैसेज ऐसे पड़े हैं कि आप लोग एक हो जाइए, एक हो जाइए। ठीक है, कुछ मनमुटाव रहा, उस वजह से मनमुटाव तो तब रहेगा जब सुप्रीम कोर्ट बचेगा। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा, जब सुप्रीम कोर्ट को हम बचा के वैकेंसी लाएंगे ना, तब सारे मुद्दे सामने आएंगे। सबसे सर्वप्रथम अब इतने टाइम सिचुएशन को देखते हुए, इतने टाइम देखा जा रहा है कि 90-97 को सुप्रीम कोर्ट से बचाना है। 90-97 जब बच के आएगा, तब आपको जो मुद्दा जिसको लगे वो उस मुद्दे पे अपना लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अब आपको मैं बता दूं, 90-97 मुद्दे के लिए वकीलों के पैनल के लिए एडवांस देने के लिए ज्वाइंट अकाउंट फिर से वही चल रहा है। अब की केवल ज्वाइंट अकाउंट में एक चीज़ ऐड करी गई है कि पिछली बार बहुत से अभ्यर्थियों या दोस्तों का दिक्कत थी कि वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे थे डायरेक्ट अकाउंट में, तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम अंशु सिंह का और फोन पे, पेटीएम, गूगल पे मेरा दोनों चल रहे हैं। अब मैं आपको बात क्लियर करता हूँ आगे की। MRC मुद्दे पर भी मैं आपको बता दूँ, MRC मुद्दे पर जब कोई नहीं खड़ा हो रहा था तो मैं सामने आया,
बहुत लोगों ने मुझे गाली दी, गलौज किया, सब कुछ किया, कुछ अपने भाइयों ने प्रोत्साहन भी दिया कि नहीं ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब वो मुद्दा हो गया सेकेंडरी। अब उस सेकेंडरी मुद्दे पे मुझे नहीं जाना है। जिस तरीके से मैं आप बता दूँ, मैंने दो तारीख से लगा के 10 तारीख के दौरान, 2 या 4 तारीख के दौरान जितना भी कार्य किया, उतना कार्य का सारा लेखा जोखा अरविंद पटेल, जो लोहा सिंह के नाम से हैं, और दूसरे सुशील भाई और तीसरे आशीष यादव, इन लोगों को मैं पूरा का पूरा हिसाब सौंप दे रहा हूं, और ये अब आगे की लड़ाई अपनी लड़ेंगे। ठीक, अब हमको सुप्रीम कोर्ट से सबसे मेन टेंशन हमारे दिमाग में आ गई है कि इस मुद्दे को देखना, सुप्रीम कोर्ट से बचा के लाना है, क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ के छोटे मोटे मुद्दे पे हम लोग लड़ते रहेंगे। कल मेरे पास भी एक फ़ोन आया कि भैया वो हाई कोर्ट से ये 68500 वालों को NOC मिल गई है, अब बताइए क्या करें, इस पर भी केस कर दीजिए। एक विकलांग महोदय थे, उन्होंने कहा मेरा केस आप कर दीजिए। भाई केस कितना ला देंगे हम केस, इतना तो हम भी नहीं सहन कर पाएंगे, इतने सारे केस ला देंगे। हर चीज़ का सोल्यूशन केस ही नहीं होता, जब शासन से प्रशासन से भी बात होती है वहाँ से भी देखते हैं। सारी जड़ और फसाद की जड़ मैं आपको बता दूँ, केवल और केवल आपको बताएं अधिकारी हैं। मैं मिलता रहता हूँ, मैं देखता हूँ, अधिकारी ही बात नहीं सुन रहे हैं। अधिकारीगढ़ अगर पूरी बात नहीं सुनते हैं तो उसी से सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। खैर, उनको भी मैं शार्ट आउट कर लूँगा, परेशान ना होइए। दूसरा, वो जो वॉलपेपर दिया गया है, उस वॉलपेपर पे पहले जब दिया गया था तो उसमें एक 0 ज़्यादा बढ़ गया था FSC कोड में, अब वो सही हो गया है, फिलहाल उस पर टिक का निशान भी आ गया है, तो वो सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को पेमेंट पहुंच रहे हैं। तत्काल हम लोगों को 5 वकीलों को होल्ड करके टोकन दे के अपना काम बढ़ाना है। मैंने आपको साफ साफ बता दिया, इन 3 लोगों को मैंने MRC की पूरी लड़ाई सौंप दी है, और यही 3 लोग आगे इसको देख रहे हैं। मेरा काम था वकील को खड़ा करना, प्रशांत चंद्रा जी खड़े हो रहे हैं, अब बाकी ये लोग अपना देख रहे हैं। इन्हीं लोगों से सारी जानकारी लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रही बात हिसाब की, जिन लोगों को लग रहा होगा हिसाब पता नहीं ये लोग पैसा खा गए ऐसा, मैं 1-1 रुपया का हिसाब लिखा हूँ, चाय पानी नाश्ता सब कुछ लिख दिया हूँ। भैया मुझे 1 रुपया, ये 1-1 रुपया हराम है, मुझे किसी भी तरीके से नौकरी कोई दिलवा दे, बस सुप्रीम कोर्ट से ही मैं नौकरी अपनी बचा पाऊँगा। ये यहाँ के लोकल मुद्दे लड़के अभी नहीं, पहले सुप्रीम कोर्ट मुद्दे को बचाने दीजिए, फिर बाकी जो लड़ रहे हैं उनको देखते हैं क्या करते हैं। वो लोग अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ना जानते हैं, कोई इतना कमज़ोर नहीं है। लोहा सिंह पटेल लोहा अपना लेंगे जाके, बाकी हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ इतने टाइम मुद्दा 90-97 को बचाना है, और साथ में टीम संगठित होकर चलना है। जिस प्रकार मैं देखता हूँ शिक्षा मित्र केवल एक शिक्षा मित्र नाम से लड़ता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, और अपने यहाँ पर हर चीज़ में दिक्कतें सब जगह, मतलब एक कुछ ना कुछ परेशानियाँ खड़ी हो जा रही हैं। मैं भाई बिल्कुल आपका हेमराज गुर्जर जी, मैं आपको बता दूँ सुप्रीम कोर्ट में नहीं, मैं यहाँ का मैं आपको बता दूँ, यहाँ MRC का 1 भी रुपया, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, 1 भी रुपया अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में लगाऊँ तो समझ लीजिए आप मैं गलत कर रहा हूँ। मैंने पूरा हिसाब बना लिया है, मैं आज ही सुशील को, अरविंद को और आशीष को, मनोज प्रजापति, प्रीति यदुवंशी या जो भी और अन्य लोग इसमें जुड़े हुए हैं, मैं उनको सबको हिसाब मैं सेंड कर दे रहा हूँ, सब लोग अपना तरीके से देख ले, मुझे कोई समस्या नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानता हूँ कि बाकी कहने वाले कहते रहेंगे, बहुत सारे इस ग्रुप में फेलियर जुड़े हुए हैं, वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को कि आप ये कर रहे हैं आप वो कर रहे हैं, जिसको जो कहना हो, मैं तो पहले ही बता रहा हूँ, जिस दिन से मैं सामने आया था उस दिन से आप लोगों ने गाली देना शुरू कर दिया था, तो गाली मेरे चिपके नहीं जा रहे हैं, गाली तो आप माननीय मंत्री जी को और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सबको देते हैं, तो मुझको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या मुद्दे हैं मैं आपको बता दूँ। सुप्रीम कोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है पहले तो 60-65 बचाना, साथ में 22,000 सीटों को, जो क्योंकि मुझे अब एंगल नज़र आ रहा है वहाँ से 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए भी अब कार्य शुरू हो गया है। तीसरा, उनके भारांक पर, और चौथा मुद्दा अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में मैं क्या करने जा रहा हूँ। किसी भी तरीके से हमको 60-65 बचा कर, अपने जो भी याची भाई वहाँ पर जुड़े होंगे अभी तक जो कर चुके हैं उनकी फीडिंग चल रही है,
अन्य जो लोग जुड़ेंगे उनका सब कुछ एक एक आदमी का वहां पर नाम जाएगा। आप लोग ये जान लीजिए, एक भी कोई आदमी नहीं छूटेगा। जैसे डबल बेंच में हम लोगों ने रात दिन मेहनत करके एक एक आदमियों को वहां पे जोड़ा था, उसी तरीके से यहां पर भी मैं एक एक आदमियों को जोड़ूंगा। देखिए भाई, मैं अभी सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। आप MRC मुद्दे को मैंने उनको दे दिया है, हैंड ओवर कर दिया है पूरा, वो लोग देख रहे हैं, मैंने पूरा हिसाब दे दिया है। तब आप इस मुद्दे पे कहना गलत है। आप लोग कभी नहीं चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में टीम एक साथ लड़े। सुप्रीम कोर्ट में जब पांच पांडव एक साथ लड़ेंगे, जीत तभी वहां से मिलेगी, मुझे मालूम है। और जब हम लोग अब बामुश्किल एक साथ हुए हैं, तो उसके बाद भी आप लोग अब गलत तरीके से तनाव दे रहे हैं। वहां पे टॉप मोस्ट पैनल ही तैयार हो रहा, परेशान ना करिए आप लोग। विवेक सिंह, अभी मैं किसी को नहीं बता सकता, दो वकील तो मेरे श्याम दीवान सर और वी मोहना मैम कंफर्म है। इसके अलावा जो तीन वकील हैं, मैं कतई नाम नहीं खोलूंगा, नाम खोलने से लोगों को डिस्टरबेंस होगा, पता नहीं शिक्षा मित्र जाके वहां भी हायर कर ले जाके। पवन फाउंडेशन चंदा का MRC का वकीलों को देख दिया गया। सुशील लोहा सिंह, अरविंद, आशीष, इन सबसे पूछिए कहाँ है, मैंने उनको सबको दिया, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। जो उसके याची 600-700 बने हैं, उन याचियों को वो सब लिस्ट उन सबको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। बाकी दुनिया चिल्लाती रही, किसी से कोई मतलब हमको नहीं। क्या मतलब है, बाकी किसी को कुछ कहना हो तो कहे, बाकी हमसे कोई मतलब नहीं है। मैं एक भी रुपये का गुनहगार नहीं हूँ, और ना मैं मतलब इस चंदे के पैसे से सिर्फ और सिर्फ टीम का काम किया है, मुझे किससे कोई एक रुपये से मुझे परेशानी है। निर्देश राजपूत क्यों गुमराह कर रहे हो यार, फिर वही बात, तुम जबरदस्ती तुम चाहते ही नहीं हो कि हम टीम एक हो। जब टीम मैंने बताया एक साथ लड़के एक साथ जाके सुप्रीम कोर्ट जा रही है, तो तुमको क्या दिक्कत है। दिनेश फाउंडेशन, तुमको मैं जवाब दे दूं, तुम क्यों आ गया है मैं बताऊं, तुम ही लोगों के मैसेज और सब कुछ आए हैं। मुझे आने का इतना शौक आता, मैं रहता हमेशा बैकडोर से, लेकिन सब लोगों ने कहा कि भैया टीम खड़ी कर दीजिए, मैंने खड़ा कर दिया। उसके मुद्दे पर आप कह रहे हैं कि क्यों आगे आए फिर क्यों पीछे गए, फालतू की बातें ना करिए। जो मेरा काम था मैंने पूरे काम को तनलीता से निभाया और पूरा उसको मैंने हैंडओवर कर दिया, बात खत्म हो गई जाके। अब ठीक है, और कोई अन्य बातें हो बाकी अब टीम के साथ बातें साझा कर दी जाएंगी। शाम को कोशिश की जाएगी, हम विनय प्रताप सिंह और जैसे एक साथ लाइव आएंगे, उधर से अखिलेश शुक्ला और अंशु एक साथ लाइव आएंगे, जिससे कि आप लोगों को विश्वास हो जाए। सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई बिल्कुल कमजोर नहीं करनी है, सुप्रीम कोर्ट में एक ही साथ जब जाएंगे तभी वहाँ काम बनेगा, आप समझ रहे हैं। जो भी चयनित भाई हैं वो अब खुलकर सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई के साथ जुड़ जाएं। जो 72, 74, 76 कटाव लिए बैठे थे, अभी तक सो रहे थे ना, अब उनको सामने आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उनका भी सिलेक्शन रुका है। ठीक है, बाकी और कोई बात, फालतू की बात लोग करते हैं यार, सुनना क्या मैं बताऊं, सुनना पड़ता है। NOC वाले मुद्दे पर भी देख रहे हैं क्या हो सकता है। BTC वालों को साथ ले लें भाई, BTC वाले टीम शायद, मैंने सुना है कि वो दोनों लोग साथ हो गए हैं, तो अच्छी बात है। अब साथ लेने का मैंने पहले प्रपोजल कर दिया था, जब कोई साथ आए ना आए, जब पांच वकील मैं खुद ले जाने की क्षमता रखता हूँ, मेरे भाई लोग इतना सहयोग कर सकते हैं कि पांच वकील एक साथ जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोई बात हो तो बताइए आप लोग, क्योंकि अन्य काम भी हैं। 22,000 सीटों के जुड़वाने के लिए पूरा भरसक प्रयास है। जो भी याची जाएंगे वहां से सुप्रीम कोर्ट से कोई भी एंगल चेंज हो सकता है। मैं आपको ये भी बता दूं, न मैं जानता हूं, न रिजवान अंसारी जानते, ना कोई नहीं जानता है कि कौन सा क्या हो सकता है। वहां से कुछ भी एंगल चेंज हो सकता है, किसी को भी याची लाभ मिल सकता है, किसी के सपोर्ट में फेवर में मामला जा सकता है, वहां से कुछ भी हो सकता है। इसलिए जाग जाइए सभी लोग, वहां पर एक साथ लड़ना है और एक साथ लड़िए। ठीक है, बाकी लोग जो टीम को तोड़ने का काम कर रहे हैं करते रहिए। बाकी मैं आपको बता दूं, MRC मुद्दे पर सुशील का और क्या नाम, अरविंद पटेल, लोहा सिंह, आशीष, इन लोगों का ज्वाइंट अकाउंट खुल चुका है। जब तक ज्वाइंट अकाउंट नहीं था तब तक मैंने अपना पूरा काम, मेरे में सहयोग आया, मैंने उनको हैंड ओवर किया पूरा। अब ज्वाइंट अकाउंट खुल चुका, उनके में अपने आप सहयोग करिए, उन्हीं से सारी बातें करिए। टाइपिंग सुशील जी देख रहे हैं, वही उनका, उनसे बात कर लीजिए। ठीक है भैया, सभी लोगों को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। बाकी शाम को हम लोग एक साथ मिलते हैं। जय हिंद।